नमस्कार दोस्तों, नेपाल के लिए एक बड़ी खबर निकल के आई, क्योंकि नेपाल में कतर के अमीर ऑफ द स्टेट शेख तमीम बिन हमद आए और उनकी दो दिन की ये यात्रा थी और इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि कतर और नेपाल के बीच में कुछ अच्छे एग्रीमेंट पे साइन होगा, जिसमें से एक अहम देखा जा रहा था लेबर पैक्ट को। लेबर पैक्ट एक ऐसा पैक्ट हो सकता था जो कि नेपाल और कतर के बीच में होगा, जिसमें नेपाल से कतर लेबर आसानी से भी जा सकते हैं और उनके हितों की भी रक्षा की जाए। लेकिन यहाँ पर कोई भी लेबर पैक्ट देखने को नहीं मिला। इसके अलावा 8 एग्रीमेंट्स पर साइन जरूर हुए, जिसमें से 6 सरकारी एग्रीमेंट्स है और 2 प्राइवेट एग्रीमेंट थे। आपको बता दें, कतर के डेलीगेशन के आने के बाद शेख तमीम ने नेपाल के पीएम दहल के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग के ही दौरान 6 एग्रीमेंट जो कि दोनों ही देश के बीच में थे वो साइन हुए, जिसमें से पहला एमओयू साइन हुआ फील्ड ऑफ कल्चर और आर्ट्स के लिए, जो कि दोनों ही देश के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बीच में, टूरिज्म के बीच में और सिविल एविएशन के बीच में साइन हुआ, जो कहीं ना कहीं टूरिज्म और कल्चर के लिए था। दूसरा एग्रीमेंट साइन हुआ कॉरपोरेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूज बिटवीन नेशनल न्यूज एजेंसी नेपाल और कतर न्यूज एजेंसी के बीच में। तीसरा एमओयू साइन हुआ हायर एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और गवर्नमेंट ऑफ कतर के बीच में इस एजुकेशन प्रोसेस को अच्छा करने के लिए। तो ये फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए हुआ, जो कि बढ़िया एक कदम था। इससे आसानी होगी नेपाल के लोगों को कतर जाने में और वहाँ पर अपनी हायर एजुकेशन को पूरा करने में। दोनों ही नेशन ने एक और एमओयू को साइन किया, जो कि था कॉरपोरेशन बिटवीन स्पोर्ट्स और यूथ के बीच में, जहाँ पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, दोनों ही देशों की हेल्प होगी और मैचेस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सिमिलरली एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ दोनों ही देशों के बीच में, जो कि कॉरपोरेशन करेगा फील्ड ऑफ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, साथ ही साथ एजुकेशनल बिटवीन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ नेपाल साथ ही साथ कतर के बीच में। तो इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के इंटरेक्शन और एग्रीमेंट्स के अलावा 2 एग्रीमेंट और साइन हुए, जो कि था जॉइंट बिजनेस काउंसिल JBC, जो कि कतर चैम्बर और फेडरेशन ऑफ नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच में साइन हुआ। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि लेबर पैक्ट पर भी साइन होगा या फिर लेबर पैक्ट को लेकर भी दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ बात होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर अभी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। तो इतिहास की इन्फॉर्मेशन जो कि लेटेस्ट थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा दें, और देखिए NI News Vision ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए।